जानी जानी तूने पी है, मुंह को खोलो, झूठ बोलिया। देवी हुई टल्ली, नशे में झूमती बहुरानी, संस्कारी देवी का बदला बदला अंदाज। नो 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 देवी के हाथों में पूजा की थाली नहीं बल्कि नशे का जाम है और अपनी सासू माँ और पतिदेव के खौफ को भुलाकर ये बन गई है एकदम बिंदास बाला। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको बता दे कि ये सीरियल जीत गई तो पिया मोरे का कोई नया ट्विस्ट नहीं बल्कि देवी की ऑफ स्क्रीन मस्ती है। वैसे भले ही ऑफ स्क्रीन देवी सिर्फ टल्ली होने का नाटक कर रही है लेकिन सीन में तो आज सच में नशे में है हमारी देवी। दरअसल ये सब है उस पार्टी के साइड इफेक्ट्स जहां देवी अधिराज के साथ गई थी और ये सब देख मासा हो रही है आग बबूला। ऐसा कुछ कर दिया है जिससे ऑब्वियसली मासा के दिल के टुकड़े हो गए हैं। मासा ने साफ साफ मना किया था अधिराज को कि देवी को पार्टी में मत ले जाना, पर देवी की चालाकी की वजह से पति देव तो बन गए थे देवी के साथ और पूरी पार्टी में हाथों में हाथ डांस, तो फिर ऑब्वियसली मासा का तो जी हाँ, ये सब उस हथकड़ी का कमाल था जो देवी ने चालाकी से अधिराज को पहना दी थी और इसी का सच बताने के लिए अधिराज पहुँचे थे मासा के पास। लेकिन वहाँ नशे में चूर देवी ने कर दिया एक और स्यापा जब उन्होंने मासा के सामने बोल दिया कि उनके गोदाम में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि शेखर था। राज खोल दिया देवी ने एक, उसको एक बिग बिग सीक्रेट मालूम है पर उसको ये नहीं मालूम है कि उसमें कहीं ना कहीं मासा इन्वॉल्व्ड है, बट स्टिल इट्स अ बिग रिवील। भाई आपने तो सच बोल दिया देवी, लेकिन मासा भी कम नहीं है, वो एक बार फिर आपको झूठी साबित करने में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये है कि अधिराज के सामने कब आएगा अपनी मासा का असली चेहरा। श्रुति बरजातिया, मुंबई आज तक।